हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम जो होगा और जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जनरल साइंस में तीन टॉपिक पूछे आते हैं, मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें से बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायो के कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, और उसके अलावा विटामिन हो गया, और विटामिन की कमी से क्या क्या बीमारी हो जाती है, और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं सबका केमिकल नेम पूछा जाता है। इसके अलावा कौन से विटामिन हमें किससे मिलते हैं ये पूछा जाता है। ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हॉर्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं यूनिट हो गया, और इसके अलावा जो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वेंशन से रिलेटेड, और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। इसके अलावा सभी टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, बट विटामिन हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, हार्मोन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डिजीजेज हो गई, और जो वायरस से डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरिया से, ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।